हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं पलाश राव और स्वागत करता हूं सभी व्यूअर्स का हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। भारत बनाम आयरलैंड, तीन T20 मुकाबलों की सीरीज जिसका आज आगाज होने जा रहा है। आज से लेकर 23 अगस्त तक ये तीन T20 मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी और ये तीनों ही T20 मुकाबले जो कि आयरलैंड के डबलिंग शहर पर खेले जाने हैं, आयरलैंड के डबलिंग शहर में खेले जाने हैं तीनों ही T20 मुकाबले, जिसका लाइव टेलीकास्ट जियो सिनेमा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन टीवी पर यदि देखना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स 18 पर आप देख सकते हैं, और यदि आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर पर तो आप जियो सिनेमा पर इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। और यदि आप टीवी में देखना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स 18 पर आप देख सकते हैं। तो भारत और आयरलैंड के बीच डबलिंग शहर में माल हाउस क्रिकेट ग्राउंड पर इस सीरीज के तीनों ही मुकाबले खेले जाएंगे माल हाउस क्रिकेट ग्राउंड में डबलिंग शहर में। तो आयरलैंड टूर पर भारत तो चले गई है, नेट सेशन भी हुआ, प्रैक्टिस भी की, अभ्यास किया, और अभ्यास में हमें कुछ प्लेयर्स अभ्यास करते हुए नज़र आए और कुछ प्लेयर्स आराम भी कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स अभ्यास कर रहे थे। हमने कुछ वीडियोस में देखा जहां पर प्लेयर्स अभ्यास करते हुए नज़र आए। तो जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में उतरेगी आज भारतीय टीम, युवा भारतीय टीम जो कि जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में आज आयरलैंड टूर में जो है तीन T20 मुकाबलों की सीरीज खेलने उतरेगी। आज से लेकर 23 अगस्त के बीच में ये तीनों ही मुकाबले खेले जाने हैं। तो आज पहला मुकाबला जो कि होने वाला है भारत बनाम आयरलैंड, इस पहले मुकाबले पर हम थोड़ी चर्चाएँ कर लेते हैं। तो भारत और आयरलैंड के बीच शाम 7:30 बजे से इस मुकाबले का आगाज़ होगा, इस मुकाबले की शुरुआत होगी शाम 7:30 बजे से। 7 बजे टॉस होगा, ठीक आधे घंटे पहले 7:30 बजे से पहले 7 बजे वहां पर टॉस होगा, और क्या कुछ हो सकता है टॉस में हम जान लेते हैं। भाई टॉस यहां पर जीतते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टीमें पहले गेंदबाजी करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ की पिच पर हम नज़र डालते हैं तो यहाँ की पिच तेज़ गेंदबाजों के लिए अच्छी मदद है, इस पिच पर बल्लेबाजों के लिए भी शानदार मदद है। स्पिन के लिए देखें तो उतना इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन तेज़ गेंदबाजों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मददगार पिच है ये। और यहाँ के वेदर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर 18% मौसम रहेगा, और यहाँ पर आर्द्रता 90% आर्द्रता है, नमी 90% यहाँ पर नमी है। न्यूनतम यहाँ पर मौसम की बात करें तो 17, अधिकतम 18 ही रहेगा, और बूंदाबांदी की आशंका है, बारिश की पूरी संभावना है, मैच के दौरान बारिश भी आ सकती है। यदि बारिश आती है तो मैच लेट होने की संभावना है, क्योंकि जो मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर बारिश होने की पूरी संभावना है, पूरी आशंका है। अब देखना होगा कि मैच के दौरान क्या कुछ होता है। हम तो चाहते हैं कि मैच पूरा हो और बारिश ना आए, बारिश मैच में रुकावट ना डालें, यही हम चाहते हैं, सभी व्यूअर्स चाहते हैं, सभी क्रिकेट प्रेमी चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे। तो यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीती है पहले गेंदबाजी करना चाहेगी, यदि कप्तान पर भी निर्णय है, यदि वो चाहते हैं पिच बीच में बदल जाती है तो भाई आप बल्लेबाजी भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर गेंदबाजी ही लेते हैं जो भी कप्तान टॉस जीतते हैं। तो यहाँ पर 23 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा की गति है, पूर्व दिशा से हवा की गति इस समय चल रही है। तो यहाँ पर प्लेइंग 11 क्या हो सकती है भारत की, यहाँ पर यदि हम देखें तो प्लेइंग 11 बनाने जाए तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ उपकप्तान रहेंगे, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, उसके बाद शिवम दुबे यहाँ पर हमें देखने मिल सकते हैं
शिवम दुबे की वापसी हो रही है। काफ़ी लंबे समय के बाद शिवम दुबे की यहाँ वापसी होने जा रही है, लंबे समय के बाद T20 सीरीज़ में वापसी कर रहे हैं। माफ़ कीजिए, संजू सैमसन, जितेश शर्मा यहाँ पर रहेंगे, दो विकेट कीपर बल्लेबाज है, तो ऐसे में संजू सैमसन के लिए एक अच्छा मौका है। संजू सैमसन नंबर 3 पर खेल सकते हैं। तो एक बार सबसे पहले हम पूरा स्क्वाड देख लेते हैं, पूरा स्क्वाड हम आपको बता देते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ उपकप्तान रहेंगे, जसप्रीत बुमराह कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़ उपकप्तान, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज, जितेश शर्मा विकेटकीपर बल्लेबाज, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह। तो ये है पूरा 15 सदस्यीय स्क्वाड जो कि आयरलैंड दौरे पर रहेगा, इस T20 मुकाबलों की सीरीज़ में हिस्सा लिए है, जिनका चयन हुआ है, जो स्क्वाड है वो मैं पूरा बताया आपको। तो प्लेइंग 11 हम बना लेते हैं एक बार भारत की। यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन नंबर 4 पर, अब किसे रखेंगे, रिंकू सिंह, नहीं, रिंकू सिंह को हम 5 नंबर पर, तिलक वर्मा नंबर 4, रिंकू सिंह नंबर 5। रिंकू सिंह का डेब्यू होना तय है भाई, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो तय है रिंकू सिंह। उसके बाद शिवम दुबे ऑलराउंडर, और नंबर 7 पे शाहबाज अहमद, वॉशिंगटन सुंदर, और उसके बाद हम रखेंगे एक सीनियर थोड़ा से जो पढ़ रहे हैं वो प्रसिद्ध कृष्णा थोड़े, क्योंकि इससे पहले भी मुकाबले खेले हैं प्रसिद्ध कृष्णा ने। तो प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह और मुकेश कुमार के साथ जाऊंगा मैं, जसप्रीत बुमराह, मुकेश कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा। तो मुकेश कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, ये 3 तेज गेंदबाज हो गए मेरे। शिवम दुबे चौथे तेज गेंदबाज, और शाहबाज अहमद, वॉशिंगटन सुंदर, ये 2 ऑलराउंडर के साथ, तो 3 ऑलराउंडर और फिर 3 टेलेंडर रखे हैं। तो यहाँ पर बढ़िया टीम बन रही है, 8 नंबर तक बल्लेबाजी भी है वॉशिंगटन सुंदर तक, और बाहर बेंच पर बैठे खिलाड़ी जिसमें जितेश शर्मा और आवेश खान और अर्शदीप सिंह, जितेश शर्मा, उसके बाद रवि बिश्नोई, ये 4 प्लेयर बेंच खिलाड़ी रहेंगे। तो पहला T20 मुकाबला यदि आप जीत जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आपके साथ रहता है, आप में कॉन्फिडेंस रहता है, फिर आप अगले मुकाबले में यही कॉन्फिडेंस लेकर उतरते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस रहता है, कॉन्फिडेंस के हिसाब से आप बहुत ही रिलैक्स महसूस करते हैं अपने आप को। तो इसीलिए पहला जो मुकाबला रहता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला मुकाबला महत्वपूर्ण है दोनों ही टीमों के लिए, यदि आप पहला मुकाबला जीत जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आपके साथ रहेगा, आप में कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो निगाह तो होगी संजू सैमसन पर भी, और निगाह होगी युवा रिंकू सिंह, युवा तिलक वर्मा पर भी, लेकिन वर्ल्ड कप के लिहाज से और एशिया कप के लिहाज से यदि देखें तो निगाह तो होगी जसप्रीत बुमराह पर भी। बूम बूम बुमराह काफ़ी लंबे समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह, जिन पर निगाह होगी सबकी, सब सिलेक्टर्स की और सभी व्यूवर्स की, सभी क्रिकेट प्रेमी की निगाह होगी जसप्रीत बुमराह पर, क्योंकि लंबे समय बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, और ऐसे में उनके प्रदर्शन पर सभी की निगाह होगी, उन पर निगाह होगी। यदि यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, यही प्रदर्शन यहीं से ही कॉन्फिडेंस लेकर वो एशिया कप में उतरते हैं, फिर एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, वनडे वर्ल्ड कप और वनडे एशिया कप जो होने वाला है, जिसमें यही कॉन्फिडेंस जसप्रीत बुमराह के लिए काम आएगा, तो यहीं से अच्छी शुरुआत करनी होगी जसप्रीत बुमराह को, प्रदर्शन, बेस्ट प्रदर्शन देना होगा यही सीरीज़ में, यही T20 सीरीज़ में आयरलैंड टूर पर होने वाली
तीनों ही T20 मुकाबले पर जो है जसप्रीत बुमराह को अपनी पकड़ बनानी होगी, जसप्रीत बुमराह को अपना बेस्ट प्रदर्शन देना होगा, तभी इसी बेस्ट प्रदर्शन को आप एशिया कप और आयरलैंड में एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप में आप ले जा सकते हैं। आयरलैंड में अच्छा प्रदर्शन करके आप वनडे वर्ल्ड कप और एशिया कप में उतर सकते हैं। तो निगाह सबसे ज़्यादा जसप्रीत बुमराह पर होगी, और संजू सैमसन को अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्शन कमिटी, तो संजू सैमसन पर भी निगाह होगी, क्योंकि वनडे में 4 नंबर का जो स्लॉट है उसे पूरा करने के लिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, मेरे ख्याल से तो श्रेयस अय्यर केएल राहुल यदि भीड़ भी हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से मत लीजिए भाई, मैं तो कहता हूँ मत सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि उनको सिलेक्ट करके आप रिक्स उठाएंगे, क्योंकि इसके बाद मुकाबले बचे ही कौन से हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली एक वनडे सीरीज़ बाकी है जिसमें 3 वनडे ही मात्र खेले जाने हैं, तीन मुकाबले मात्र खेले जाने हैं वनडे के, उसके अलावा और मुकाबले है ही कौन से, एशिया कप है, एशिया कप में आप नहीं चाहते कि एशिया कप खेलते समय आप इस बार भी एशिया कप हार जाए, आप नहीं चाहेंगे, एशिया कप की तो भी ट्रॉफी आप उठाना चाहेंगे, वर्ल्ड कप से पहले एक ट्रॉफी तो अपने नाम करना चाहेंगे एशिया कप की। तो एशिया कप यदि आपको जीतना है तो भाई, वर्ल्ड कप भी यदि आपको जीतना है, एशिया कप भी जीतना है, तो भाई आप केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को ना ले तो बेहतर है। उन्हें हाँ, आप T20 फॉर्मेट में T20 वर्ल्ड कप आने वाला है अगले साल, उनके लिए तैयार कर सकते हैं, उनको T20 फॉर्मेट T20 वर्ल्ड कप के लिए आप तैयार कर सकते हैं उनको, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप के लिए आप रिस्क नहीं उठा सकते। तो मेरे ख्याल से केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को लेना रिस्की रहेगा, तो इसीलिए मैं कहूँगा सिलेक्शन कमेटी को कि आप युवा प्लेयर्स पर ध्यान दीजिए, संजू सैमसन जैसे कि तिलक वर्मा है युवा, जो T20 में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो तिलक वर्मा से भी आगे संजू सैमसन पर आप ध्यान देना चाहेंगे, तो संजू सैमसन पर नज़रें बनाए रखिए। संजू सैमसन यदि अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उन्हें आप 4 नंबर के स्लॉट के लिए आप बुक कर सकते हैं, यदि ऐसा भी नहीं होता है तो आप ईशान किशन और शुभमन गिल से ओपन करवा के आप विराट कोहली को नंबर 4, रोहित शर्मा को नंबर 3 पर खिला सकते हैं। यही एडवाइस मैं दूंगा भारतीय कोचेस को और भारतीय जो सिलेक्टर्स है उनको, मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो ना ले तो रिस्क है, बेहतर है ना ले तो बेहतर है केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को, यदि फिट भी होते हैं तो भी मैं यही कहूँगा कि राहुल और जो श्रेयस अय्यर है उनको मत लीजिए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, कौन जीतेगा बताइए कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल में यदि नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, नोटिफिकेशन को ऑल से सेट करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू।